सो हेलो दोस्तों, तो रिसेंटली ही हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी एक्सट्रीम 160R 4V को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था और उसके बाद हीरो अभी एक्सट्रीम 125R एंड एक्सट्रीम 200R के ऊपर काम कर रही है और कुछ टाइम पहले ही एक्सट्रीम 125R टेस्टिंग के टाइम पर स्पॉट हो गई थी और उसके काफ़ी सारे पिक्चर्स भी लीक हो गए थे और अभी एक्सट्रीम 200R की टेस्टिंग चल रही है और इसके भी कुछ पिक्चर्स लीक हो गए हैं। सो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हो गए। तो आज की वीडियो में हम एक्सट्रीम 125R एंड एक्सट्रीम 200R के बारे में बात करेंगे कि इन दोनों बाइक्स में आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे और क्या इन दोनों बाइक्स का प्राइस होगा और कब तक ये दोनों बाइक्स आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी, तो सारा कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सट्रीम 200R के बारे में बात करते हैं। तो एक्सट्रीम 200R के फ्रंट लुक्स की इमेज आ गई है, जिसमें आपको काफ़ी अग्रेसिव एच शेप्ड में LED हेडलाइट देखने को मिल रही है, जिसमें एच शेप्ड में ही LED DRLs भी दिए गए हैं, जो देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और बाइक में आपको ऑल LED लाइट्स का सेटअप देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको एक्सट्रीम 160R 4V में देखने को मिलता है। एंड बाइक के लुक्स एंड डिज़ाइंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। एंड बात करें इंजन की, तो इसमें आपको एक्सपल्स 204V वाला 199cc का ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिल सकता है, जिसकी मैक्सिमम पावर होगी 19.1 PS एंड मैक्सिमम टॉर्क होगा 17.3 Nm, जिसके साथ 5-speed ट्रांसमिशन होगा। या फिर इसमें आपको हीरो की अपकमिंग करिज्मा XMR 210 वाला 210cc का लिक्विड कूल्ड इंजन भी देखने को मिल सकता है, जिसकी मैक्सिमम पावर 25 PS एंड मैक्सिमम टॉर्क 22 Nm के आसपास का होगा, जिसके साथ 6-speed ट्रांसमिशन होगा। तो बाइक का जो प्राइस होगा वो डिपेंड करेगा कि इसमें आपको एक्सपल्स 204V वाला इंजन देखने को मिलेगा या फिर अपकमिंग करिज्मा XMR वाला। तो अगर इसमें आपको एक्सपल्स 204V वाला इंजन देखने को मिलता है तो फिर इसका प्राइस आपको 1,50,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। और अगर इसमें आपको करिज्मा XMR वाला लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलता है तो फिर इसका प्राइस आपको 1,60,000 के आसपास देखने को मिलेगा। और अब अगर बाकी फीचर्स के बारे में बात करें, तो इसमें आपको एक्सट्रीम 160R 4V के जैसे ही बेस मॉडल में टेलीस्कोपिक टाइप के फ्रंट फोक्स देखने को मिलेंगे एंड टॉप मॉडल में आपको अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स देखने को मिल जाएंगे। एंड रियर में प्री लोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन होगा, क्योंकि यार एक्सट्रीम 160R 4V में आपको अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि एक्सट्रीम 200R में भी आपको अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स देखने को मिलेंगे और बाइक के फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेक्स होंगे, जिसके साथ डुअल चैनल ABS होगा। एंड एक्सट्रीम 160R 4V के जैसे ही इसमें आपको स्प्लिट टाइप के सीट्स देखने को मिलेंगे एंड स्प्लिट टाइप के ही ग्रैबलेस देखने को मिल जाएंगे। तो एक्सट्रीम 200R में आपको न्यू LED हेडलाइट एंड न्यू LED टेल लाइट देखने को मिल जाएगी। एंड इसमें आपको न्यूली डिजाइंड फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलेगा, जिसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी एंड टर्न बाय टर्न नेविगेशन वाले फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। एंड अब बात करें टायर्स की, तो बाइक में मोस्ट प्रोबेबली 110/70 सेक्शन का फ्रंट टायर होगा एंड 140/70 सेक्शन का रियर टायर होगा। और अगर बाइक के प्राइस के बारे में बात करें, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बाइक का प्राइस डिपेंड करेगा बाइक के इंजन के ऊपर। तो अगर इसमें आपको करिज्मा XMR वाला इंजन देखने को मिलेगा तो फिर इसका प्राइस आपको 1,60,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। और अगर इसमें आपको एक्सपल्स 204V वाला इंजन देखने को मिलता है तो फिर इसका प्राइस आपको 1,50,000 के आसपास देखने को मिलेगा। तो ये तो बात हो गई एक्सट्रीम 200R के बारे में। तो अब हम बात करते हैं एक्सट्रीम 125R के बारे में। और जैसा कि एक्सट्रीम 125R एक बार पहले भी टेस्टिंग के टाइम पर स्पॉट हो चुकी है और एक्सट्रीम 125R इंडियन मार्केट में TVS की रेडर 125 और बजाज की पल्सर NS125 के साथ कम्पीट करेगी। और एक्सट्रीम 125R में आपको मोस्ट प्रोबेबली ग्लैमर वाला ही 124.7cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा, जिसकी मैक्सिमम पावर 11 PS एंड मैक्सिमम टॉर्क 10 Nm के आसपास का होगा, जिसके साथ 5-speed ट्रांसमिशन होगा। तो बाइक की परफॉर्मेंस तो आपको बिल्कुल ग्लैमर के जैसा ही देखने को मिलेगी, लेकिन एक्सट्रीम 125R हीरो मोटोकॉर्प की 125cc स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक होगी। सो इसीलिए अगर हीरो मोटोकॉर्प एक्सट्रीम 125R की पावर थोड़ी सी बढ़ा देती है तो फिर इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है।
एंड इसके लुक्स एंड डिज़ाइंस के बारे में बात करें तो इसमें भी आपको एक्सट्रीम 160R 4V के जैसे ही काफ़ी अग्रेसिव लुक्स एंड डिज़ाइंस देखने को मिलेगा। एंड एक्सट्रीम 160R 4V के जैसे ही LED हेडलाइट एंड LED इंडिकेटर्स भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। और इसमें आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलेगा, जिसके टॉप मॉडल में आपको स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाले फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। एंड बाइक में आपको टेलीस्कोपिक टाइप के फ्रंट फोक्स देखने को मिलेंगे एंड रियर में प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन आएगा। एंड बाइक में स्प्लिट टाइप की सीट्स होगी एंड स्प्लिट टाइप के ही ग्रैब रेल्स होंगे। एंड ब्रेकिंग के बारे में बात करें तो बाइक में 240mm की फ्रंट में डिस्क ब्रेक होगी एंड 130mm का रियर में ड्रम ब्रेक होगा। और इसमें आपको सिंगल चैनल ABS का ऑप्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि अभी तक इंडियन मार्केट की 125cc कम्यूटर सेगमेंट की किसी भी बाइक में आपको ABS देखने को नहीं मिलता है। तो एक्सट्रीम 125R में भी आपको न्यूली डिज़ाइंड LED हेडलाइट एंड LED टेल लाइट देखने को मिल जाएगी। फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल आएगा, जिसमें आपको स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाले फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। एंड इसके साइड पैनल्स का डिज़ाइन एंड फ्यूल टैंक का डिज़ाइन बिल्कुल एक्सट्रीम 160R 4V के जैसा ही देखने को मिल जाएगा। और अब अगर प्राइस के बारे में बात करें तो इसका प्राइस आपको 90,000 से लेकर 1 लाख के आसपास देखने को मिल जाएगा। और अब फाइनली बात करते हैं इन दोनों ही बाइक्स के लॉन्च के बारे में। तो रिसेंटली ही हीरो मोटोकॉर्प ने एक्सट्रीम 160R 4V को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था, और सितंबर या फिर अक्टूबर में हीरो मोटोकॉर्प अपनी अपकमिंग करिश्मा XMR को लेकर आने वाली है। सो इसीलिए इन दोनों बाइक्स को हीरो 2024 के स्टार्टिंग में यानी कि जनवरी से फरवरी तक लेकर आएगी। सो आप में से कौन कौन हीरो की अपकमिंग करिश्मा XMR 210 एंड एक्सट्रीम 200R एंड एक्सट्रीम 125R इन बाइक्स का वेट कर रहे हैं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अपने भाई को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ ड्राइव एंड टेक केयर।